देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। ब्रेकिंग की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में 877 करोड़ के घोटाले का मामला है। जिन बांध नहरों का काम ही शुरू नहीं हुआ, अफसरों ने कागजों में काम पूरा दिखाकर भुगतान भी कर दिया है। प्रदेश की 7 सिंचाई परियोजनाओं में हुए 877 करोड़ रुपए के घोटाले में ईओडब्ल्यू की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मामले में केस दर्ज हुआ है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने उन बांध नहरों के लिए 877 करोड़ का भुगतान कर दिया है, जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ है। जांच में सामने आया कि सिर्फ 3 परियोजनाओं का, यहां पर होनोता बांध सागर और वांडा बांध सागर, गोंड बांध सिंगरौली के लिए 479 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और ऐसे में जिस तरीके से ये गड़बड़ घोटाला सामने आया है, अब कई तरह के यहाँ पर सवाल भी खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने यहाँ पर भुगतान किया है। आपको बता दें कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इस काम को स्वीकृति दे दी गई थी, और ऐसे में बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 877 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया है। छोटा मोटा रकम नहीं है, 877 करोड़ है। 7 सिंचाई परियोजना में 877 करोड़ का घोटाला हुआ है। अधूरे काम पर यहाँ पर आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने इसका भुगतान किया है, और ऐसे में घोटाले में ईओडब्ल्यू की जांच में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। तो लगातार आगे की जो जांच पड़ताल है वो जारी है, और ऐसे में हम लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 877 करोड़ के घोटाले का पूरा मामला सामने आया है। 7 सिंचाई परियोजना में 877 करोड़ का ये पूरा घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि अधूरे काम का भी यहाँ पर भुगतान कर दिया गया।